हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में होने वाला है और सभी स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सेक्शन का ये मॉक टेस्ट 2 है और इसमें 15 क्वेश्चन हैं, 10 मिनट में आपको करना है। पहले मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आपको अटैम्प्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी अपने मार्क्स देना है। यदि आपने सही किया है तो 1 नंबर देना है, यदि आपने छोड़ दिया है तो 0 नंबर देना है, और यदि आपने गलत किया है तो आपको माइनस मार्किंग करना है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है उसका रियल असेसमेंट आप कर सकते हैं इन मॉक टेस्ट के थ्रू। मॉक टेस्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। और ये है मॉक टेस्ट 2, तो इसको आप करें। एक कॉपी और एक पेन आप ले सकते हैं और उसमें क्वेश्चंस को सारे अटेम्प्ट करें और जो भी आपका मार्किंग बन रही है उसको आप नोट करते जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लोज टेस्ट है, इसको आप देखें आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक इसमें आपको क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको देना है और मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, आप देखते जाइए इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर आपको देना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये है क्वेश्चन नंबर 7, आप पढ़ें और इनके आंसर्स दें। मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको, मैं आंसर बाद में बताऊंगा डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। ये है क्वेश्चन नंबर 8, आप आराम से पढ़ लें। 7, ये 6 है, आप आराम से फिर से एक बार देख लीजिए इसको पूरे को, और चाहें तो आप पॉज कर सकते हैं और मैं इसको बता देता हूँ पूरा। ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है क्वेश्चन नंबर 9, आप देख लीजिए आराम से क्या इसमें आंसर बनेगा आपका। ये है क्वेश्चन नंबर 10, ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, और यहां से ये शुरू हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ें और बीफ अप इस पे इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये 15 क्वेश्चंस हैं और अब मैं डिस्कस करता हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कि किस तरीके से, और यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या दिया है। तो यहाँ से देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव नो चॉइस अबाउट द फैक्ट दैट यू नीड अ फिलोसफी। इसमें जो लाइफ की फिलॉसफी है उसके बारे में इस पूरे पैराग्राफ में बात की जा रही है। क्लोज टेस्ट करने की सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है कि पूरे क्लोज टेस्ट को आपको पढ़ना है तेजी से, और यहाँ पर रीडिंग स्किल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि यदि आपकी रीडिंग स्किल है आप तेजी से पढ़ सकते हैं तो जल्दी से उसको पढ़ के आप आंसर देना शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक लाइन पढ़िए, दो लाइन पढ़िए, उसके बाद ब्लैंक को फिल करने लगते हैं, ये गलत तरीका है। पहले आपको पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ना है ताकि आपको एक रफ आइडिया हो कि किस बारे में है, उसके बाद आपको फिलअप को पूरा करना, इसमें शुरू करना है। तो यहां से देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव नो चॉइस अबाउट द फैक्ट दैट यू नीड अ फिलोसफी। एज ए ह्यूमन बीइंग आपके पास एक फिलोसफी होनी चाहिए, आपके पास सॉरी एक लाइफ को जीने की एक फिलोसफी होनी चाहिए, आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए लाइफ के। ठीक है, ये इसमें बोला जा रहा है। योर ओनली चॉइस इज वेदर यू डिफाइन योर फिलोसफी बाय अ कॉन्सियस डिसिप्लिन्ड प्रोसेस ऑफ थॉट, लॉजिकल डिलीवरेशन, और लेट योर सबकॉन्सियस जंक हीप ऑफ अनवॉन्टेड कंक्लूजन्स। देखिए, इसमें यह बोला जा रहा है कि एक तरीका तो ये है कि कोई भी डिसीजन आप लें, कोई भी थिंकिंग आप करें, तो वो डिसिप्लिन्ड लॉजिक पर बेस होनी चाहिए, या एक तरीका ये है कि आपके दिमाग में अनवॉन्टेड कंक्लूजन्स भरे हुए हैं, फॉल्स जनरलाइजेशन भरे हुए हैं। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आप कुछ भी सोच नहीं रहे हैं और उसको उसको लॉजिक पर बेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक्चुअली बोला जा रहा है। तो अब आप 6 में क्या फिल करेंगे, डिफाइन योर फिलोसफी बाय कॉन्सियस एंड
आगे दिया है डिसिप्लिन्ड प्रोसेस। तो चूंकि डिसिप्लिन्ड के बगल में कॉमा दिया हुआ है यहां पर, एक सेकेंड, डिसिप्लिन्ड के बगल में यहां पर कॉमा दिया है, तो यहां पर डिसिप्लिन्ड से रिलेटेड एक वर्ड आना चाहिए। यहां पर दिया है कॉन्सस, तो कॉन्सस और डिसिप्लिन्ड ये दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक वर्ड आना चाहिए यहां पर। अब बेसलेस और इरेशनल ये तो नेगेटिव वर्ड है, यहां पर आपको चाहिए पॉजिटिव वर्ड और जो डिसिप्लिन और कॉन्सस से रिलेटेड हो। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रैशनल, क्योंकि रैशनल होता है लॉजिकल। देखिए साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक जो होता है जो साइंस के प्रिंसिपल्स और मेथड्स की बात करता है, ठीक है, तो साइंटिफिक कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जब ह्यूमन माइंड की हम बात करते हैं तो रैशनल, जैसे आपकी सोच है वो रैशनल है, आपकी सोच जो है वो या आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो लॉजिक पर बेस होती है, वो रैशनल होती है, वो साइंटिफिक नहीं होती। उसके लिए साइंटिफिक वर्ड यूज करना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि साइंटिफिक का मतलब होता है साइंस के जो प्रिंसिपल और मेथड्स हैं, लेकिन यहां पर ह्यूमन माइंड की फिलॉसफी की बात हो रही है। और ह्यूमन माइंड की फिलॉसफी कैसी हो सकती है, डिसिप्लिन हो सकती है, कॉन्शस हो सकती है और लॉजिकल या रैशनल हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर यदि लॉजिक देखा जाए तो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी। यदि आपने सी लगाया है तो आप अपने आप को एक नंबर दें, ठीक है, यदि गलत है तो माइनस मार्किंग करिए, और छोड़ा है आपने तो 0 नंबर देना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, डिसिप्लिन्ड प्रोसेस ऑफ थॉट एंड लॉजिकल डिलीवरेशन। देखिए यहां पर भी लॉजिकल वर्ड ही आया है, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लॉजिकली चीजों को सोचें, डिसाइड करें, एक ये है कि आप कुछ नहीं सोचें और बिना सोचे समझिए रैंडमली आप डिसीजन लें। तो लॉजिकल डिलीबरेशन के पहले, लॉजिकल डिलीबरेशन मतलब, डिलीबरेशन एक नाउन है, लॉजिकल एक एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव से पहले, लॉजिकल एक एडजेक्टिव है यहां पर, डिलीबरेशन एक नाउन है, तो एडजेक्टिव से पहले यहां पर आपको एक एडवर्ब चाहिए, ठीक है। और लॉजिकल डिलीबरेशन जब होगा आपका, जब रैशनल आपकी थिंकिंग होगी, तो वो लॉजिकल डिलीबरेशन कैसा होगा, वो थॉरली लॉजिकल होगा, पूरी तरीके से लॉजिकल होगा, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एक कॉन्सस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, अंडरस्टूड। तो यहां पर 7th में जो आपका आंसर होगा वो होगा थॉरली। अब देखिए आर्टिफिशियली तो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, रैकलेसली मतलब केयरलेसली, तो केयरलेसली कैसे आएगा जब हम लॉजिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, नेग्लिजेंटली, ये सारे नेगेटिव वर्ड है, केवल थॉरली इसमें एक पॉजिटिव वर्ड है। तो 7th में आपका सही आंसर होगा थॉरली। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इसको हम देखते हैं, लॉजिकल डिलीवरेशन और लेट योर सबकॉन्सस। अब इसमें क्या आ जाएगा, लेट योर सबकॉन्सस जंक हीप ऑफ अनवांटेड कंक्लूजन। देखिए जब भी हम जंक की बात करते हैं, ठीक है, हीप क्या होता है, हीप एक ढेर होता है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि या तो आप एक लॉजिकल तरीके से सोचें, या आप किसी भी चीज का जो डिसीजन लें वो रैंडमली लें, क्योंकि आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, अनवांटेड कंक्लूजन्स हैं जो कि किसी प्रिंसिपल पर बेस नहीं है। तो जंक हीप के साथ क्या वर्ड आ सकता है, क्या क्या आप उस कचरे को अपने दिमाग में बिखेरते हैं, क्या डिस्पर्स करते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या स्कैटर करते हैं, क्या ट्विस्ट करते हैं, नहीं, आप एक्यूमुलेट करते हैं उसको, इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं। तो 8 में आपका सही आंसर होगा एक्यूमुलेट, दैट इज ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और लेट योर सबकॉन्शियस और अनवांटेड कंक्लूजन, फॉल्स जनरलाइजेशन, अनडिफाइंड कॉन्ट्राडिक्शन, स्लोगन्स, ठीक है, डाउट्स एंड फियर, थ्रोन टुगेदर बाय चांस, बट इसमें क्या आएगा, बाय और सबकॉन्सियस इनटू अ काइंड ऑफ मॉन्ग्रल फिलोसफी। तो 9th में आप बोलेंगे कि एक्चुअली ये फिलोसफी जो होती है, जो आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्सियस माइंड में क्या होती है, एक इंटीग्रेट होती है, तो यहां पर इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड के साथ हम इंटू भी लगाते हैं, तो इंटू वर्ड भी यहां पर दिया है, बट इंटीग्रेटेड बाय योर सबकॉन्शियस इन टू अ काइंड ऑफ मॉन्ग्रल। मॉन्ग्रल का मतलब होता है एक एक ब्रीड होती है, एक हाइब्रिड ब्रीड होती है एक्चुअली, उसको बोलते हैं मॉन्ग्रल फिलोसफी, जो कि मतलब एक रैंडम फिलोसफी के लिए यहां पर मॉन्ग्रल वर्ड को यूज किया है। एंड यहां पर भी देखिए इन टू ही वर्ड आया, इन टू ए सॉलिड वेट, तो यहां पर भी इंटीग्रेटेड से रिलेटेड एक वर्ड आएगा, और इंटीग्रेटेड से रिलेटेड यहां पर जो वर्ड है 10th में वो आएगा फ्यूज, ठीक है, फ्यूज इन टू अ सॉलिड वेट। सेल्फ डाउट, चलिए 11th पर चलते हैं, सेल्फ डाउट लाइक ए बॉल एंड चेन इन द प्लेस
वेर योर माइंड विंग्स शुड हैव ग्रोन, योर टाइम इज लिमिटेड। यहाँ से देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है कि आपका टाइम जो है वो लिमिटेड है, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। आपका टाइम लिमिटेड है इसलिए अपनी लाइफ को किसी दूसरे का सपना पूरा करने में आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये स्टीव जॉब ने भी बोला था, डू नॉट बी ट्रैप्ड बाय द, मतलब ट्रैप का मतलब कहीं पर फंस जाना, डू नॉट बी ट्रैप्ड बाय द विच इज लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। डू नॉट ट्रैप, हम किस में होते हैं? ट्रैप हम हमेशा इल्यूजन्स में होते हैं, क्योंकि इल्यूजन रियलिटी नहीं होती। ट्रैप हम बिलीफ में नहीं हो सकते, ट्रैप हम केवल इल्यूजन में ही हो सकते हैं। तो 11th में आएगा आपका इल्यूजन, ठीक है, विच इज लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। डू नॉट लेट द नॉइज ऑफ अदर ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस, मतलब अपने अंदर की जो आवाज है उसको किसी दूसरे की आवाज से आपको दबाना नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड, मतलब आपके पास एक करेज होना चाहिए, आपके पास एक हिम्मत होनी चाहिए ताकि आप अपने हार्ट को फॉलो करें, अपने दिल की बात माने। तो यहां पर 12th में क्या आएगा? 12th में हार्ट का इक्विवेलेंट आएगा। आप किस चीज को फॉलो करते हैं? आप अपने या तो हार्ट को फॉलो करते हैं या आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं गट फीलिंग, तो या आप अपने गट फीलिंग को फॉलो करते हैं। तो यहां पर 12th में आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इंट्यूशन। ऑल अवर एक्टिविटीज आर, देखिए पहले भी ये बात हो चुकी है कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो टाइम के द्वारा लिमिटेड है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पर हमारी डेथ होनी है। तो यहाँ पर जो सही वर्ड आएगा 13th में वो आएगा लिमिटेड, लिमिटेड बाय टाइम, बाय अवर डेथ। वी फिल अवर टाइम विद, हम अपने टाइम को किस चीज़ से फिल करते हैं? वी फिल अवर टाइम विद डिस्ट्रैक्शंस, हम अपने टाइम को अपने गोल पर फोकस ना करते हुए डिस्ट्रैक्शंस पर हमारा फोकस रहता है, ठीक है। नेवर आस्किंग वेदर दे आर इम्पोर्टेंट, मतलब हम ये नहीं पूछते अपने आप से कि हम जो थिंक कर रहे हैं, जो फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेवर आस्किंग वेदर दे आर इम्पोर्टेंट, वेदर वी रियली फाइंड देम ऑफ वैल्यू, एंड सो वी कम टू लिव एन, हम किस तरह की लाइफ जीते हैं। चूँकि हम वेस्ट करते रहते हैं अपने टाइम को, तो जेन्युइन तो लाइफ हो नहीं सकती, वो होगी इनऑथेंटिक, इनऑथेंटिक लाइफ हम जीते हैं। तो 15th में आपका जो आंसर होगा वो होगा इनऑथेंटिक, यानी बी। चलिए ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। और बीफ अप क्या मतलब होता है? बीफ अप का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, इसको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा इम्प्रूव। यहां पर देखते हैं स्पेस आउट का क्या। आई हैव ए टेंडेंसी टू स्पेस आउट एट द एंड ऑफ ए हार्ड डे। स्पेस आउट का मतलब होता है डिस्ट्रैक्टेड फील करना, ठीक है, अनफोकस फील करना, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप थके हुए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डिस्ट्रैक्टेड, डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बैंगिंग ऑन अबाउट। बैंगिंग ऑन अबाउट मतलब किसी चीज के बारे में बकबक करते रहना, तो यहां पर आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बीबरिंग अवे, ये भी एक अच्छा आइडियम है। बीबरिंग अवे का मतलब होता है आपका वर्किंग हार्ड। और क्वेश्चन नंबर 5, चाइम इन का मतलब होता है जैसे दो व्यक्ति हैं उनमें लड़ाई हो रही है, तो एक तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाता है इंटरवीन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं चाइम इन, ठीक है। तो इंटरवीन यहां पर आपका सही आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 का डिटेल डिस्कशन और आंसर्स। आप अपने आंसर्स इन आंसर से मैच करिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस आप देखिए कि किस लेवल पर आपकी प्रिपरेशन है, और सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 1 में मैंने स्पॉटिंग रैप के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, फिलर्स के क्वेश्चंस कराए थे, इस मॉक टेस्ट में मैंने क्लोज टेस्ट कराया है। आगे के मॉक टेस्ट में मैं आरसी, पैराजंबल और दूसरे तरीके के एलिमेंट्स लेके आऊंगा, तो इनको आप, इन मॉक टेस्ट को आप जरूर देखें और इनसे फायदा उठाएं। इग्निस एडवांटेज चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगी, इन सभी प्लेलिस्ट को देखें, सारे वीडियो क्लासेस देखें, डेफिनेटली इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो इस मॉक टेस्ट में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।